बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलैका व सहाबीका या सय्यदी या हबीबल्ला। जी मैडम, मेरा नाम ख्वाजा शुएब है और मेरी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है। पहले मैं मार्केटिंग का काम जो था वो करता था एज ए सेल्स मैन, मैंने जॉब की काफ़ी। उसके बाद अब जो है वो मैं थोड़ा सा कासिम साहब के लेक्चरों से मोटिवेट होकर थोड़ा अपने बिजनेस की तरफ जो है वो मैं आया हूँ, ताकि इस दुनिया में भी कदम रख के देखा जा सके कि उनकी बताई गई तलीमात हम पे कितना असरअंदाज होती हैं और हम कितने अच्छे तरीके से जो है ना अपना खुद का कारोबार जो है वो कर सकते हैं। इसलिए इस पेश नज़र जो है मैं आजकल एक छोटा मोटा, आप मुझे बिजनेसमैन कह दें, ताकि मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। जी मेरी कासिम अली शाह साहब से मुलाकात 2001 में हुई, जब मैंने फर्स्ट टाइम 9th में एडमिशन स्कूल में एकेडमी में लिया। तब एक ग्रुप सिस्टम था, कासिम साहब एक कमरे में बच्चों को मुख्तलिफ ग्रुपों की सूरत में बैठा के बेंचों पे या नीचे ज़मीन पे बैठा के मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में बच्चों को तलीम देते थे। और वहाँ पर जब हमारा एक ग्रुप था जिसका नाम उन्होंने जेंगो ग्रुप रखा हुआ था, वो जो मेरे मुझसे सीनियर थे वो मुझे लेके गए कि आप आओ इस अकेडमी में पढ़ो, अच्छी अकेडमी है। तब बहुत इनिशियली कह लें कि आप 15 से 20 जो है ना वो लड़के वहाँ पे पढ़ते थे। जब मैं गया, जब मैंने जाके वहाँ पे स्टडी शुरू की, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही मोहब्बत वाला माहौल है, यहाँ पे ठीक रहेगा। नहीं तो दूसरे काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे, मारते थे, डांटते थे, यहाँ पे हर बात को मोहब्बत के साथ समझाया जाता था। तो फिर जब मैंने यहाँ जाना शुरू किया, मेरे फादर थे, उन्होंने जब कासिम अली शाह साहब को गुजरते देखा, मैंने उनको बताया कि ये हमारे सर जा रहे हैं, तो उनको बड़ी तफसील, बड़े परेशान हुए कि यार ये तो जवान सा लड़का है, ये क्या पढ़ाता होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एकेडमी जाना है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सर को मिलना। मेरी अम्मी, मेरे अबू अला बख्शी, उनको 2-3 साल कबल उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने कहा जी कि मैंने तुम्हारे सर से मिलना। मैंने कासिम साहब से इजाज़त ली कि यूँ अबू मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है। जब मैंने अपने फादर को उनके साथ मिलवाया और मेरे फादर इतना सेटिस्फाई हुए कि मेरे हाथ को उनके हाथ में पकड़ा दिया कि ये आज से हमारा नहीं, ये आज से आपका है। और वो तल्लुक और वो जो वाबस्तगी वो ऐसे हुई कि 2001 से 2019 तक, अब तक तो हम उनके हैं। और हमारी दुआ है कि जितनी हमारी सांसें मौजूद हैं और वो अगली सांसें भी हम कासिम अली शाह साहब के साथ। कासिम अली शाह साहब पहले शुरू में नीचे पढ़ाते थे, एक कमरा उनके पास नीचे था और उनकी जो फैमिली थी वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। फिर जब काम उनका थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, उन्होंने अपनी फैमिली को नीचे शिफ्ट कर दिया और ऊपर जो 3 कमरे थे उसमें जो है ना एक कमरे में 2-2 क्लासें लगा के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और जब सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर तो बिल्कुल सामने टक्कर दीवार पर जो है ना हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर जो है ना वो वेज़ा लगाई हुई थी कासिम साहब ने। जब मेरे फादर ऊपर चढ़ना शुरू हुए तो उन्होंने तस्वीर देखी, तो जब वो बैठे कासिम साहब के पास सलाम दुआ के बाद, उन्होंने कहा कि बाकी सारी बातें बाद में, पहले आप मुझे ये बताएं कि इनके साथ आपका क्या ताल्लुक है, क्या नस्बत है। उन्होंने कासिम साहब ने फिर सारा ब्रीफ किया कि ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मैंने इनको देखा नहीं हुआ लेकिन जो है ना इनसे मेरी बहुत अटैचमेंट है। फिर मेरे फादर जो है वो खुद एक सूफी लाइन में थे, उन्होंने वासिफ साहब की बहुत सी बातें जो है ना वो कासिम साहब के साथ शेयर की। और जब वो बातें शेयर हुई तो फिर कासिम अली शाह साहब ने उठ के मेरे वालिद को जप्पी डाली, गले लगाया, और फिर जो एक मोहब्बत और सूफीलिज्म का तल्लक था वो ऐसा परवान चला कि वो कासिम साहब के जो है ना वो कई मंजिलें कासिम साहब पीछे छोड़ के तो तरक्की की राह पे जो है ना वो। साहब ने जो भी काम किया है, जिस भी काम में हाथ डाला है, बड़े
अच्छी नीयत के साथ जो है ना वो काम में आ रहा है, और जिस काम में अच्छी नीयत हो तो उसका जो है ना वो कामयाब होना कोई वो बड़ी बात नहीं है, वो कामयाब होता ही होता है। और दूसरी बात ये कि कासिम अली शाह साहब के पास पहले जितने भी वो टीचर्स थे वो उनके फ्रेंड्स ही थे, उनके साथ उनको पहले उन्होंने बताया कि मैं ऐसे एक एकेडमी का आगाज़, पहले वो खुद पढ़ाते थे, फिर जो बच्चा अच्छा पढ़ता था उसको जो है ना वो कहते थे कि अब तुम टीचिंग लाइन में आओ मेरे साथ पढ़ो, ये एक इज्जत वाला जो है ना वो पेशा है। और भरपूर अच्छे अंदाज से उनको तलीम की सारी बुनियादी चीज़ें बता के तो अपने साथ उनको अटैच करते थे, और फिर यह कि जो वहाँ पे पढ़ता था बच्चा अच्छा होता था उसको वहाँ पे जो है वो जॉब भी ऑफर करते थे, और एक अच्छी जो है ना कि नया नया बच्चा उसको अगर 500 रुपये पर लेक्चर मिल रहा है तो वो खुशी खुशी की चीज़ें हमें 500 रुपये पर लेक्चर पैसे मिल रहे हैं, तो बड़े अच्छे मोहब्बत के साथ जो है ना वो वहाँ पर तल्लुक जो है वो कायम रहता है। अगर हम क्लास में बैठे होते थे कि एक अननोन इंसान अंदर आ जाए तो वो ये जज नहीं कर सकता था कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट कौन है, इतना कि एक माहौल क्रिएट कासिम साहब करते थे, यानी कंधों पे हाथ रखा हुआ है, गप्पे लग रही हैं, काम अगर वो स्टडी हो रही है नहीं काम उसको जुगतबाजी भी जो है वो शुरू शुरू में उनको ज़रा थोड़ा सा टॉन करना कि यार ऐसे नहीं यार काट लो, मेरी इज्जत समझ लो, अपनी इज्जत नहीं तो मेरी इज्जत समझ लो। आखिरी एक हफ्ता तो ऐसे होता था कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, कहते थे एक हफ्ता टका के पढ़ो, याशी करो, खाओ पियो, इंजॉय करो, हंसा जो भी आपने हंसना खेलना है, लेकिन जब पढ़ाई का मामला आता था तो नॉट टॉलरेंस। और बड़े अच्छी मोहब्बत वाले अंदाज के साथ जो है ना उन्होंने अपनी इस चीज़ को, हर कोई बंदा वो ऐसे नहीं है, आपने भी देखा हो काफ़ी अकेडमीज हमारे इर्द गिर्द हैं, एक क्लास में 2 बच्चे, एक क्लास में 5 बच्चे, एक बस वो कह रहे हैं कि वो पैसा कमाने वाली मशीनें ये जो अकेडमी है, लेकिन जो कासिम अली शाह साहब की अकेडमी थी ये एक दीनी दुनियावी तलीम के साथ साथ जो है ना एक दीनी तलीम भी बच्चे को देती थी कि हमारा मज़हब क्या है, हमें किस तरह अपने वालदैन से पेश आना चाहिए, अपने भरोसे कैसे पेश आना चाहिए, अगर अपने बहन भाइयों से कैसे शफकत से पेश आना चाहिए। तलीम के साथ साथ ये वाली तलीम भी जो है ना इस पर भी लेक्चर्स और सेमिनार्स बाकायदा वहाँ पर अरेंज किए जाते थे। जब स्टूडेंट लाइफ के बाद वहीं पे अभी मैं आईकॉम में मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया, वहाँ पे उन्होंने मुझे एज ए जॉब ऑफर कर दी रिसेप्शन पे कि यार आप बैठो जो मामला हैं वो आप रिसेप्शन के देखो, फिर फीस भी मेरी उन्होंने छोड़ दी कि यार आप फीस भी ना दें, और उल्टा जो है वो हाथ से जो है वो कासिम साहब हमें पैसे देते थे, ये आपकी वो तनख्वाह है जी। तो उस हिसाब से जो है ना पहले तो होता था क्लास होती थी, कासिम साहब आते थे, जाते वक्त आते वक्त मुलाकात होती थी, लेकिन जब फिर एक रिसेप्शन की जिम्मेदारी संभाली फिर कासिम साहब ने आके बैठना, फिर हमें नसीहतें करनी यानी दुनियावी लिहाज से जो उनके साथ मामलात पेश आने उसमें से जो सबक मोज बातें होती थी वो हमें बतानी कि यार इसको इस तरह करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इसको इस तरह करोगे कामयाब हो जाओगे, फिर हमने टूर्स अरेंज करने, फिर एक हमने टूर जो है किला रतास का अरेंज किया, उसमें लड़कियाँ तो कोई नहीं थी, सारे मेल बॉयज जो थे वो हम गए। कासिम साहब ने ज़रा एहसास ही उन्हें दिया कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ये होता है कि जी आगे अक्सर स्कूलों में जब जी टीचर आगे बस की फ्रंट सीट पर बैठे हैं तो पीछे शोर नहीं करना, टीचर्स डिस्टर्ब ना हो। सारे टीचर सर नवाज थे, सर एहसन थे हमारे टीचर, और उसके अलावा हाफिज उस्मान साहब थे, तो ये इस तरह सारों का एक फैमिली हमारा वो जर्नी और टूर था। वहाँ पर हमने कासिम साहब को एक उस दौर में हमने कासिम साहब को एक प्रोटोकॉल लगाया, सारे लड़के जो है वो कासिम साहब के इर्द गिर्द, और एक हमने वे बनाया जैसे एक रेड कारपेट पे वो प्रोटोकॉल के साथ बंदा चलता है, हमने किसी को जो भी आ गया था हम उसको कहते थे यार पीछे हो जाओ तुम्हें नहीं पता कौन आ रहा है, तो बड़ा वो एक समा था तब, बड़ा मोहब्बत के साथ हमने नाच गाना खाना पीना सारा बस में इंजॉय करते हुए हमने वो सफ़र को। सर की अकेडमी में जो बच्चों की तादाद थी वो तो काफ़ी थी, लेकिन अब भी अगर आप देखा जाए कि एक घर में 4 बच्चे होंगे किसी के तो वो माँ बाप उसी को काम कहते हैं कि जो जो जितना उनका लाडला जो लाड ज़्यादा लाडला उतना काम उसी, हम भी उन लाडलों की फहरिस्त में शामिल थे कि उनको पता होता था कि इनको कैसे, कासिम साहब को पता था कि हमें कैसे हैंडल करना है, हमें पार भी लगाना है दरिया से, यानी कि जो एक तलीम का सफ़र था तलीमी सफ़र था उस पर भी हम डिस्टर्ब ना हों, और जो मामला दूसरे थे हम लबैक, उन्होंने हमें जो काम करना हमने लबैक कह के उनके काम को जो है ना वो खुशी से साथ सर अंजाम देना। एक दफ़ा फिर गज़ल का मामला शुरू हो गया ताकि
कि एकेडमी में हम गजट लगाते थे, रिजल्ट लगाते थे सुबह सुबह, तो रात को वो गजट एक बंदे ने कहा कि मैं आपको लाहौर बोर्ड से गजट निकलवा के दूंगा, लेकिन वो एंड टाइम पर मुकर गया, उसने कहा जी कि गजट तो नहीं मिल सकता ड्यू टू सम प्रॉब्लम। फिर कासिम साहब ने कहा क्या किया जाए यार, यहाँ तो दो हल हैं, यहाँ तो फिर हम रिजल्ट नहीं लगाते, यहाँ फिर हमें कि कुछ दो एक दो बंदे जो है ना रात को बैंक के पास बैठ जाएं और सुबह होते 9 बजे गजट लेके। तो वो हमने कहा सर जी कि हम इस मार्के में जो है ना आपके शाना बुशाना है हम बैठेंगे। मैं था, मेरे साथ कामरान भाई थे, एक हमजा भाई हमारे दोस्त थे, आसिफ भाई हमारे दोस्त थे, तो हमने सारी रात जो है ना वो बैंक के बाहर बैठ के ना सीढ़ियों में जहाँ से वो एक खिड़की होती है बैंक की साइड में जहाँ पे चलान वगैरह जमा होते हैं वहाँ से वो गजट मिलना था, सारी रात हमने वहाँ बैठ के वो अपनी गप्पों में और अपने वाकयात में और अकेडमी से के मुतालिक गुफ्तगु। ये है कि हम किसी तरीके से जो है ना कासिम अली शाह साहब का जो है ना वो मोहब्बत और कुर्ब हासिल कर सके। वो एक नज़र इंसान कुछ भी नहीं है, अगर वो एक वली की नज़र उस पर पड़ जाए ना तो वो जो है ना वो कतरे से दरिया इंसान खुद बा खुद बन जाता है। अगर मैं अपनी ज़ात को देखूँ तो हम तो कतरा भी नहीं थे, लेकिन कासिम अली शाह साहब की मोहब्बत है कि उन्होंने हम पे नज़र और अपनी शफकत रखी और आज हम इस कद के साथ खड़े हैं कि हम जो इस मुश्किल हालात में दुनिया का जो है ना वो सामना कर सकें। कासिम अली शाह साहब की बात एक थी कि जो भी काम करना उसे कभी पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है। उनके कार्डों पे भी अक्सर हाउस ऑफ सक्सेस एंड कॉन्फिडेंस, उन्होंने इंसान अभी बड़े आप बंदे पे देखते हैं कि उनके पास तलीम बहुत है लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन कासिम अली शाह साहब का की अकेडमी वाहिद इदारा था कि बच्चे में तलीम के साथ साथ कॉन्फिडेंस इतना भर देते थे कि वो अपने पाँव पर खड़ा होकर जो है ना वो किसी से बात, क्योंकि आगे जिस तरह इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तलीम के साथ जो है ना कॉन्फिडेंस की ज़रूरत जो है ना बहुत है, और वो बेशतर मौके पे जो है ना वो कॉन्फिडेंस का जो है ना उस पर लेक्चर्स और सेमिनार देते थे कि इंसान जो है एक बच्चा जो है वो एक प्रॉपर तरीके से जो है ना जब उसे फील्ड में निकलना है तो प्रॉपर तरीके से वो इतना तैयार हो जाए कि उसको किसी किस्म की जो परेशानी और मुश्किल जो है ना वो फील्ड में ना उसको किसी किस्म के। तरह से मेरे लिए कोई चेंजिंग नहीं है, आज भी फेसबुक पे वो मेरे साथ फ्रेंड है, जो कोई बात करो उसका जवाब देते हैं, कोई कहीं रस्ते में मुझे मिले बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ, पहले से ज्यादा मोहब्बत और खलूस के साथ जो है ना और मुस्कुराहट के साथ हमें मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ दुनिया में देखें जी जितने मुंह उतनी बातें हैं, कुछ लोग हैं जिनके साथ उनका तल्लक था और वो तल्लक खाली अकेडमी के हवाले से था और उन कासिम अली शाह साहब ने उनको तलीम दी और उनको इस स्टेज से जो है ना वो पार कर दिया। और ये है कि कासिम अली शाह साहब भी वैसे ही हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके व्यूज़ अपने हैं जी कि कासिम अली शाह साहब अब भरे हो गए हैं, कासिम अली शाह साहब अब मिलते नहीं हैं, कासिम अली शाह साहब फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन मेरी जो मैं पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है अलहमदिल्ला ये सब एक्सपीरियंस झूठ और ये कि तरीफी उससे हट के है कि जब भी मैंने फ़ोन किया उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, जब भी मैंने वो क्या नाम है उसका मिलने की कोशिश की है या बल्कि जो भी मिला हूँ वो मुझे जो है ना वो मिले हैं। एक दो दफ़ा उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन उठाया, मैंने उनको अपना तारुफ कराया तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना वो मुझे बैक कॉल की कि जी ख्वाज साहब खैर है, मैं कहा जी आपको सलाम पेश करना था। और मेरा मोस्टली जो है ना उनको फ़ोन करके खाली ये है कि सलाम पेश की जाए और उनकी नज़र में रहा जाए ताकि ये है कि जब भी वो कोई दुआ करें या कोई ऐसा मामला हो तो हम भी उनकी दुआओं में उनकी नज़र में रहें ताकि जो अगली ज़िंदगी है वो भी बसानी तरीके से गुजार सकें। एक वो जिस तरह मिस्त्री होता है वो एक घर की जो है वो तमीर में एक मेन किरदार अदा करता है, उस्ताद भी एक बच्चे की तमीर में एक मेन किरदार अदा करता है। अगर तो वो नस्ली उस्ताद हो कासिम अली शाह साहब जैसा तो जो बच्चे हैं वो आइंस्टाइन और इन जैसी बड़ी हस्तियों से कम नहीं है। और अगर इंसान मोहब्बत और खलूस के साथ, मैं खुद जाती मेरी ख्वाहिश थी कि अगर आज मेरे पास वक्त पीछे करने वाली मशीन हो तो मैं वक्त पीछे करके दोबारा कासिम अली शाह साहब के पास चला जाऊँ। मैं उन जैसा तो नहीं बन सकता लेकिन ये है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ और खसूसियात अल्लाह पाक मुझ में भी कासिम अली शाह साहब जैसी डाल दे ताकि मैं भी दुनिया के साथ ये वो कासिम साहब अब दुनिया की खिदमत कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और जो मैं आज थोड़ी बहुत ही खिदमत खल करता हूँ मुझे जो मेरे में जज्बा और पेशा है
وہ قاسم علی شاہ صاحب کو دیکھ کے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ عزت سے نوازے. اللہ پاک ہم سب کا امین اثر.